हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर कर दिया है तो उसके बाद आप अप्रेंटिस कैसे प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी में अप्रेंटिस कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप अप्रेंटिसशिप पा सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ अप्रेंटिसशिप प्राप्त करने के लिए पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल टेक्नोनेट विनोद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके सामने बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले, अगर आपको आपने अभी तक अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसका वीडियो मैंने बना रखा है हमारे चैनल पे आके। यहाँ देखिए, अप्रेंटिस ट्रेनिंग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं और इस वीडियो का मैं लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आपने अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन कर लिया है उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल को ओपन कर लेना है। अप्रेंटिसशिप पोर्टल जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए कई सारे टैब्स आ रहे हैं, तो इसमें आपको इस्टेब्लिशमेंट पे जाना है और यहाँ नीचे इस्टेब्लिशमेंट सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ आपको अप्रेंटिसशिप चाहिए। मान के चलिए अगर आप कहीं जिस भी एरिया के हैं तो वहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आर डेट चेन्नई, आर डेट फरीदाबाद, आर डेट हैदराबाद, कानपुर। मान लीजिए मुझे कानपुर सेलेक्ट करना है तो मैंने कानपुर सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ आप स्टेट भी चूज़ कर सकते हैं, ये मैंडेटरी फील्ड है तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश चूज़ कर लिया। और ये देखिए, आर डेट कानपुर के लिए कहाँ कहाँ के लिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टेट है। उसके बाद आप बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पूरी बकायदे सारी डिटेल्स हैं, ठीक है, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ डायरेक्टली सर्च क्लिक कर सकते हैं, सर्च पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पूरा सर्च रिजल्ट आ गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं, हम नीचे चले आते हैं। अब यहाँ देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर इस्टेब्लिशमेंट का जिस कंपनी का है, इस्टेब्लिशमेंट कंपनी का नाम यहाँ आ रहा है। और यहाँ देखिए, करंट नंबर ऑफ आधार सीटेड अप्रेंटिस यहाँ 34 दिखा रहा है, करंट नंबर ऑफ नॉन आधार सीटेड अप्रेंटिस। जब आप अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपसे पूछता है कि आप अपना आधार सीडेट कराना चाहते हैं कि नहीं, तो वहाँ पे आप यस करते हैं तो उन सब के लिए यह है। अगर आपने नहीं कराया है तो ये वाला आपके लिए अवेलेबल है। मान के चलिए यहाँ देखिए NTPC बिजनौर। अब मान लीजिए मुझे इस इस्टेब्लिशमेंट पर मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए फीटर के लिए जो है आपके 19 सीट अवेलेबल हैं, वेल्डर और गैस इलेक्ट्रिक के लिए एक सीट है और इलेक्ट्रीशियन के लिए 16 सीट अवेलेबल है। और इसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने फिटर या इलेक्ट्रीशियन या किसी भी ट्रेड से किया है तो जो ट्रेड यहाँ दिखा रहा है उसके लिए यहाँ अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो मान लीजिए हमने इलेक्ट्रीशियन से किया है तो यहाँ पर देखिए इसके जस्ट सामने अप्लाई का लिंक आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखिए अप्लाई पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ लिख रहा है नो वैकेंट सीट टू अप्लाई। इसी तरह फीटर पे हमने चेक किया तो यहाँ पे भी नो वैकेंट सीट टू अप्लाई, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। चलिए हम बैक चले जाते हैं अगले पे ट्राई करते हैं। यहाँ देखिए खाली वहाँ पर 34 सीटें थी और यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं इस कंपनी में। यहाँ देखिए 17 और 99 सीट अवेलेबल दिखा रहा है और ये लास्ट है, टोटल नंबर ऑफ अप्रेंटिस दिखा रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते हैं इस कंपनी में। यहाँ पे देखिए किस किस ट्रेड्स के लिए कितनी कितनी सीटें हैं,
अब यहाँ देखिए, फीटर के लिए जो है 200 सीट थी, 52 अभी अवेलेबल हैं। टर्नर के लिए जो है 70 सीट थी, 53 अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 20 सीट थी, 9 अवेलेबल हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए एक भी सीट नहीं है, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 3 सीट अवेलेबल थी, इस समय कोई सीट अवेलेबल नहीं है। मान के चलिए इलेक्ट्रीशियन में 9 सीट अवेलेबल है। यहाँ देखिए सामने अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा, अप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे जो भी आपने अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया होगा, वहाँ यहाँ वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपनी फिलअप करनी है, यहाँ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको फिलअप करनी है, और यहाँ कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपका इस कंपनी के अप्रेंटिस के लिए अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली आपको ये कंपनी आपके प्रोफाइल को चेक करेगी, आप उसके अप्लीकेबल होंगे उसके यहाँ अप्रेंटिस के लिए। तो कंपनी आपको डायरेक्टली कॉल भी कर सकती है, ईमेल के थ्रू सूचना देगी, और उसके बाद आप वहाँ पे अप्रेंटिस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपने अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी में अप्रेंटिस कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी दिक्कत आ रही हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।